We are going to start now. Basically, we are going to do factorization. लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, उसके पहले हम लोग बात करेंगे फैक्टर थ्योरम की. तो देखिए फैक्टर थ्योरम क्या होता है उसके बारे में हम बाद में देखते हैं. सबसे पहले लेट अस गो फॉर वन इलस्ट्रेशन. लेट सपोज दैट वी हैव अ पॉलीनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू. आपने आठवीं क्लास में पढ़ा है फैक्टराइज कर देंगे तो इसकी वैल्यू होगी एक्स माइनस वन टू एक्स माइनस टू. यानी पॉलीनोमियल जो है वो x माइनस वन टू एक्स माइनस टू है. अब जो हम कह रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा. अगर हम p1 की वैल्यू जीरो कर देते हैं, याद रखिएगा इफ आई पुट x इक्वल टू वन इसमें रखिए या यहाँ कहीं भी रखिए और इसकी वैल्यू जीरो हो गई तो उस केस में हम कहते हैं कि x माइनस वन इज ए क्या फैक्टर ऑफ द पॉलीनोमियल पी एक्स. यहाँ देखिए क्या बोला है, इफ पी एक्स इज ए पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन. यानी क्या है वो लीनियर भी हो सकता है. इक्वल टू मतलब क्या हुआ, लीनियर हुआ. एक से अधिक होगा तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है. तो मतलब क्या हुआ कि पॉलीनोमियल जो है वो कम से कम लीनियर से स्टार्ट होगा, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं ले सकते, एक्स रहना चाहिए. कहने का उसका मतलब यही है. तो एन इज ग्रेटर देन वन ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन एंड ए इज एनी रियल नंबर देन एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ए इज इक्वल जीरो. हम ऐसे दूसरे ढंग से कहते हैं, हम कहते हैं इफ पी ए इज इक्वल टू जीरो देन एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर. मैं तो यही कह रहा हूं, इफ पी वन इज इक्वल टू जीरो देन एक्स माइनस वन इज द फैक्टर. सिमिलरली अगर आप इसमें पी टू की वैल्यू निकाल दोगे तो इसकी वैल्यू जीरो होगी तो आप क्या लिख दोगे, एक्स माइनस टू इज द फैक्टर ऑफ द पॉलीनोमियल. ये फर्स्ट पार्ट है. या इसका उल्टा कर लो, उल्टा क्या होगा कि एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स देन क्या होगा, पी ए शुड बी इक्वल जीरो. मतलब कहने का है कि जो आपने पहले किया है वही वाला है. कि अगर हमारे पास एक पी एक्स है, ध्यान रखिएगा, और अगर हमने इसमें एक्स इज इक्वल टू ए रख दिया और पी ए का मान जीरो हो गया तो हम कहेंगे क्या है कि एक्स माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ द पॉलीनोमियल. यही फैक्टर थ्योरम है. वी आर गोइंग टू टेक एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3. हमने फैक्टर थ्योरम कर लिया. क्या फैक्टर थ्योरम देखा हमने, फैक्टर थ्योरम में ये देखा कि भाई हमारे पास अगर पी एक्स पॉलीनोमियल है, एक्स माइनस ए क्या है अगर उसका फैक्टर है तो पी ए शुड बी इक्वल टू जीरो. ये ए कहाँ से आया था, कुछ नहीं किए जो एक्स माइनस ए का चुपचाप जीरो कर दिया और यहाँ से निकाल लिया एक्स इज इक्वल टू ए. अगर मान लो कि हमारे पास एक्स प्लस बी होता तो क्या लिखता, एक्स का मान क्या लिखते, माइनस बी. यानी चुपचाप बगल में जीरो कर लो, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी निकालो एंड देन यू कैन गो फॉर. सो ये आपने क्या देखा था कि हाउ टू यूज फैक्टर थ्योरम. और दूसरा हमने क्या कहा था कि अगर, याद रखिएगा, अगर एक्स इज इक्वल टू ए इसमें रख दें यानी पी ए जीरो हो जाए तो इसका फैक्टर होगा और अगर ये फैक्टर है तो पी ए जीरो हो जाएगा. बात वही है, जैसा पूछेगा हम वैसी सिचुएशन को लगा देंगे. अब देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं. सबसे पहले कहता है कि एक्स प्लस वन इज ए फैक्टर. आपका क्वेश्चन नंबर वन है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.3. हमने चार क्वेश्चन है तो हमने जो हमको डिफिकल्ट क्वेश्चन लगा है हम ले लेते हैं ताकि आपको इसको डेवलप करने में सुविधा होगी. लेकिन हम आपको जरूर सजेस्ट करेंगे कि यू डोंट कन्फाइन टू एनसीईआरटी ओनली. याद रखिए एनसीईआरटी सिर्फ आपको एक दिशा देगी. अगर आपको प्रैक्टिस करनी है देन यू हैव टू हैव सम अदर बुक और यू हैव टू हैव द सम मोर क्वेश्चन. जितने क्वेश्चन दिए हैं उसे कम से कम 10-5 गुने क्वेश्चन तो करने ही चाहिए. 5 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन आपको करने चाहिए. अब देखिए यहाँ सबसे पहले हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट है, हम कहते हैं लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू. मैंने पी एक्स मान लिया, अगर दिया नहीं है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन. तो पूछ रहा है कि एक्स प्लस वन उसका एक फैक्टर है क्या. तो एक्स प्लस वन का हम, याद रखिए एक्स प्लस वन की बात करते हैं तो हम लिखते हैं एक्स प्लस वन इज इक्वल जीरो. एक्स इक्वल कितना होगा, माइनस वन. तो हम कहते हैं टेकिंग x इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस वन. तो अगर x इज इक्वल टू माइनस वन और पुटिंग x इज इक्वल टू, ऐसे करेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस वन वी गेट क्या मिलता है जी, p माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन होल क्यूब प्लस माइनस वन स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन. कितना हो गया, माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन, ये कैंसिल हुआ, दिस इज इक्वल जीरो. यानी आपने क्या कह दिया
पी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो आप क्या लिखोगे, देयर फोर याद रखिए एक्स प्लस वन इज द फैक्टर ऑफ, फैक्टर ऑफ वॉट, पी एक्स। बस यही ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है कि साहब वो तो x प्लस वन है, तो x प्लस वन दिया है लेकिन हम क्या रखते हैं, याद रखिएगा x माइनस a जब फैक्टर था तो x इक्वल टू a रखते थे, यानी क्या करते थे, x माइनस जीरो कर देते थे। अब इसमें जो सेकेंड क्वेश्चन है उसको देखिए, हम कहते हैं लेट जरा इस पर fx लिखते हैं, fx इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू एक्स प्लस रूट टू, ये हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है। फिर हम वही कहेंगे इसको टेस्ट करना है, एक्स प्लस वन इज इक्वल जीरो, एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस वन, तो हम कहते हैं देयर फोर एफ माइनस वन, माइनस वन होल क्यूब माइनस माइनस वन होल स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू माइनस वन प्लस रूट टू कितना हो गया बताइए, माइनस वन माइनस वन माइनस टू माइनस रूट, आई एम सॉरी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया टू प्लस रूट टू प्लस रूट टू, यानी कैंसिल हो गया, कितना हो गया जी टू रूट टू, विच इज आप क्या कर रहे हो भाई, इस बार जीरो तो नहीं हुआ, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, x प्लस वन इज क्या नॉट फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ये कौन सा हो गया, ये क्वेश्चन नंबर वन का सेकेंड हो गया जी, ये हमने कर दिया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम, हम काम तो हमारे पास तरीका तो वही है कि हम खाली उसकी वैल्यू निकालें, अगर जीरो हो गया तो फैक्टर हो गया, नहीं जीरो होगा तो फैक्टर नहीं होगा, सीधी सी बात है। कह रहा है कि आपको बताना ये है कि भाई ये दो क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, यू आर गिवेन क्वेश्चन नंबर टू का मैं थर्ड ले रहा हूं, गिवेन क्या दिया है बताइए, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस फोर एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स, एंड व्हाट इज जी एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू, अच्छा देखिए आप हड़बड़ाइएगा नहीं, क्या सर ये जी एक्स कहाँ से आ रहे हैं, वो एक्स माइनस थ्री ही है, खाली बोल दिया है कि वो क्या है ये जी एक्स है, वो एक फैक्टर ही है, तो आपसे कह रहा है कि क्या पी एक्स का जी एक्स फैक्टर है, आपसे अब तक क्या पूछा था एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस ए एक्स प्लस, यहाँ कह रहा है जी एक्स, खाली उसका नाम बदल दिया है, बात वही है, कुछ नहीं अंतर पड़ा, यानी यही कह रहा है कि क्या x माइनस थ्री उसका फैक्टर है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे याद रखिएगा पहले आप जी एस इज इक्वल टू क्या करते हैं जीरो, फिर यहाँ x का x माइनस थ्री इज इक्वल जीरो, यानी x का मान कितना होगा थ्री, इसमें आप क्या निकालेंगे p थ्री की वैल्यू निकालिए, तो कितना होगा थ्री टू द पावर थ्री माइनस फोर इंटू हाउ मच थ्री स्क्वायर प्लस थ्री प्लस सिक्स, दिस इज ट्वेंटी सेवन और माइनस थर्टी सिक्स प्लस नाइन, थर्टी सिक्स माइनस थर्टी सिक्स दैट इज इक्वल टू जीरो, देयर फोर एक्स माइनस थ्री इज द एक्स माइनस थ्री मीन्स वॉट, जी एक्स इज ए क्या फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, क्लियर हो गया, क्या हम कहते हैं अगर इसको फैक्टर होना है तो x माइनस थ्री को फैक्टर होना है, x माइनस थ्री को फैक्टर होना है तो x माइनस थ्री शुड बी इक्वल टू जीरो, यानी x इज इक्वल टू थ्री, x इज इक्वल थ्री कहाँ रखना पड़ेगा पी एक्स में, क्या होगा पी थ्री, पी थ्री की वैल्यू अगर जीरो आ गई तो उसका फैक्टर, अगर इसे मान लिखा था एक्स प्लस वन उसका फैक्टर है क्या, यानी जी एक्स उसका फैक्टर है क्या, तो क्या इसमें रखोगे, पहले आप लिखोगे x प्लस वन इक्वल जीरो, वहां से इसका क्या मान निकलेगा माइनस वन, तो यहाँ पर क्या निकालोगे p माइनस वन का मान निकाल लो, अगर वो जीरो हो गया तो हम बोल देंगे भाई फैक्टर है, नहीं जीरो होगा तो बोलेंगे फैक्टर नहीं है, सीधी सी बात है। तो ये हो गया कि भाई फैक्टर के बारे में, एक क्वेश्चन और इसमें दिया हुआ है जो थर्ड क्वेश्चन है,
वो कह रहा है कि भाई फाइंड दी, अगर x माइनस वन याद रखिएगा, कह रहा है कि x माइनस वन उसका फैक्टर है तो k की वैल्यू निकालिए। मान लीजिए हम फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन लिखते हैं, या फर्स्ट सेकेंड ही क्वेश्चन लिखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड है। क्या दिया है? गिवन पी एक्स का मान क्या है दिया है, पी एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस के एक्स प्लस रूट 2, ये दिया हुआ, इट इज गिवन। और क्या आप कहा है, व्हाट इज गिवन, इट्स गिवन दैट x माइनस वन इज दी क्या फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो हम लिख सिंस x माइनस वन इज दी क्या है जी फैक्टर ऑफ पी एक्स, देयर फोर पी वन शुड बी इक्वल जीरो। ध्यान रखिएगा क्यों, x माइनस वन शुड बी इक्वल जीरो, x इज इक्वल टू वन। अगर ये x प्लस वन दिया रहता तो आप क्या लिखते, p माइनस वन शुड बी इक्वल टू जीरो। अगर x प्लस टू रहता तो आप लिखते x इज इक्वल टू माइनस टू, यानी p माइनस टू शुड बी इक्वल टू जीरो। समझ में आ रही बात, जो यहां पर दिया हो उसको इक्वल टू जीरो करो, जो x की वैल्यू निकलेगी उसी में px में रख देना है। तो अब ये p1 जीरो होगा, p1 जीरो होने का मतलब क्या हुआ जी, अब इसमें देखिए 2 इंटू वन का स्क्वायर प्लस k इंटू वन प्लस रूट टू शुड बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, k प्लस टू प्लस रूट टू शुड बी इक्वल जीरो। आपसे तो k की वैल्यू पूछा है तो माइनस क्या लिखोगे, 2 प्लस रूट टू। इस तरह से हमने इसकी इसकी वैल्यू निकालना शुरू कर। We are going to do the factorization. This is exercise 2.3. और 2.3 के तीन क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, दो लास्ट के दो क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। देखिए बिफोर वी गो फॉर एनीथिंग एल्स, हम आपको थोड़ा सा क्लास 8 में लेके चलते हैं। हम ये नहीं बोलते हैं क्लास 8 का वीडियो देख लीजिएगा, क्लास 8 की वीडियो आप देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, लेकिन हम उसको रिव्यू कर देते हैं, एक बार पूरा रिकैप कर लेते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि वो एल और एम और बी और मल्टीप्लाई डिवाइड जो किताब में दिया हुआ है उसको करेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेट्स टेक वन एग्जांपल। सबसे एक मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, मेरे साथ साथ चलिए, आपको तो मजा आ जाएगा और फिर आपको मास्टरी हासिल हो जाएगी, फिर आपको इधर उधर देख लीजिए, आप लोगों को आप फैक्टराइजेशन सिखाना शुरू कर दीजिएगा। बस ध्यान से देखिए हम जो कह रहे हैं। हमारे पास सबसे पहला मेरा एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 का हम ए बोल रहे हैं, ये ए है, मानते हैं हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ध्यान से देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है। हम करते क्या है कि पहले इस 12 को फैक्टर करते हैं, याद रखिए किताब में ए सी दिया है, हम वो सब नहीं कर रहे हैं, पहले आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता रहे हैं। तो 12 के हमारे पास फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, अगर 12 को हम बात करते हैं तो हम लिखते हैं भाई देखो 12 का मतलब होता है 2 × 2 × 3। अब हमें इसको और बेसिकली क्या है, यहां भी प्लस है यहां प्लस है, तो हमारे पास बेसिकली ये क्या रहा है, यहां पर क्या रहा है प्लस आ रहा है। हमें करना होता ये है कि यहां से हम दो ऐसा फैक्टर लेते हैं जिसका सम, याद रखिएगा जिसका सम किसके बराबर हो, 7 के बराबर। बस तो इसको अगर आप ध्यान से देखिएगा तो हमारे पास ये क्या है, ये 4 × 3 है, तो ये मतलब क्या हुआ 4 × 12 = 4 × 3 है। याद रखिएगा, आप कह सकते हैं कि सर ये तो 2 × 6 भी है, लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको यहां से चाहिए 4 + 3 = 7। याद रखिएगा कौन सा 7 है, ये वाला है। समझ में आ रहा है, मतलब 12 के ऐसे फैक्टर्स, दो फैक्टर्स लेने हैं जिनका सम किसके बराबर होगा, कोफिशिएंट ऑफ x के बराबर हो। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, हमने क्या लिखा, 4x + 3x + 12, तो 3 से 4 हो गया, आप दो दो का उसमें पेयरिंग हो जाएगी जी, 3 में तो पेयरिंग हो नहीं रही थी, या तो 3 का होगा तो 6 चाहिए, नहीं तो 2-2 का पेयरिंग करेंगे 2, 4, 6 चाहिए भाई, तभी ना कॉमन लीजिएगा जी। अब यहां देखिए ये है और ये है, इन दोनों में क्या कॉमन है,
इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन लेंगे तो क्या होगा x प्लस फोर, और इसमें क्या कॉमन हुआ थ्री कॉमन हो गया, क्या हो गया x प्लस फोर। यहां तक क्लियर है? इस x प्लस फोर को यहां से लेके इधर आ जाइए, तो x प्लस फोर कॉमन ले लिया, ये हो गया x प्लस थ्री। ये पहला एग्जाम्पल है, ये क्लास एट का है। हम जब सेकेंड एग्जाम्पल कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम अब लिखते हैं ये वन का ही ये बी है, क्या मैं लिख रहा हूं देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व, याद रखिएगा ये प्लस ही है लेकिन ये वाला माइनस हो गया। तो अब हमारे पास फिर वही है कि 12 इज इक्वल टू 4 इंटू 3, यानी हमारे पास 4 और 3 होगा, लेकिन 4 और 3 का सम कितना होना चाहिए 7, बट माइनस 7 होना चाहिए। तो हम ये लिखेंगे कि माइनस 7 शुड बी इक्वल टू माइनस 4 माइनस 3, करके देखिए, मतलब प्लस है तो प्लस माइनस, तो क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। देखिए इन दोनों में से x कॉमन लीजिए x माइनस 4, यहां से माइनस 3 कॉमन ले लीजिए x माइनस 4, फिर दोनों में से x माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, कितना हो गया x माइनस 3। ये क्या हो गया, ये सेकेंड वाला हो गया। अब थर्ड देखिए, मैं एग्जाम्पल उसी को ले रहा हूं लेकिन थोड़ा सा अब डिफरेंट मैं कर रहा हूं। पहला क्या था, प्लस हो गया, दूसरा क्या है माइनस है। मान लीजिए कि यहां पर हमारे पास प्लस एक्स है, याद रखिएगा, और यहां हमारे पास वही है, बस ये हम यहां कर दिए माइनस। ये क्या है, ये सी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। देखिए ये माइनस 12 है, तो ये माइनस 12 है, बेसिकली इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये है, इसका क्वेश्चन कितना है 1 है, तो 1 इंटू माइनस 12 इज इक्वल टू कितना है जी माइनस 12। 12 को हम लिखते हैं 4 इंटू 3। अब हमें करना ये है कि इस, याद रखिए ये वाला हमारे पास क्या है माइनस है, माने यहां डिफरेंस आना चाहिए, तो किसका किसका डिफरेंस होगा और कितना डिफरेंस आना चाहिए, प्लस 1, यानी 1 शुड बी इक्वल टू 4 माइनस 3। ध्यान से देखिएगा, दो फैक्टर वहां से निकल गया लेकिन अब दोनों का डिफरेंस हम निकाल रहे हैं, तो डिफरेंस हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12। ये समझ में आ रहा है क्या है, ये हमने कहा कि भाई देखो दोनों का डिफरेंस होना चाहिए। अच्छा, डिफरेंस करने के बाद क्या होना चाहिए, भाई ये 1 तो मिलना ही चाहिए, उसके साथ उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, वहां प्लस 1 है तो प्लस 1 रहना चाहिए। हम बता रहे हैं अगर माइनस होगा तब क्या करेंगे। अब इन दोनों में से एक ये पेयरिंग हो गया, यहां से हुआ एक्स कॉमन ले लिया, ये मैं क्लास 8 की चीज बता रहा हूं। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, याद रखिए माइनस 3 जब कॉमन लीजिएगा यहां से, तो यहां एक्स होगा और यहां 4 हो जाएगा, यानी ये हो गया x प्लस 4, फिर ये x प्लस 4 कॉमन हो गया, कितना बच गया x माइनस 3। ये कौन सा हो गया, ये तीसरा हो गया। चौथा हम कहते हैं कि भाई अगर हमारे पास 1d है, याद रखिएगा सेम एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, द सेम क्वेश्चन, यहां भी नेगेटिव है, मतलब क्या होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, 12 का मान होता है 4 इंटू 3, यहां तक चलेगा, फिर हमको क्या चाहिए माइनस 1 चाहिए, तो माइनस 1 पाने के लिए क्या करेंगे माइनस 4 प्लस 3, यानी जो फैक्टर हम निकाले हैं उसका डिफरेंस निकालेंगे। मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12, देखिएगा ये दोनों मिला के माइनस x हो गया, फिर ये दोनों फैक्टर अलग हो गए, एक्स कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या होगा एक्स माइनस 4, 3 कॉमन हो गया एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 4 कॉमन हो गया और ये हो गया एक्स प्लस 3। ये आपने आठवीं क्लास में पढ़ा था। अब अगर हमारे पास, आप सपोज कर लीजिए, मैं एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज कर लीजिए कि हमारे पास कुछ इस तरह से दिया हुआ 6x स्क्वायर प्लस 6 प्लस, मैं लिख रहा हूं 20x। ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, 6x स्क्वायर, या उतना मत लिखिए, 36
चौबीस छत्तीस थर्टीन लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल ले लिया भाई, अगर ऐसा होगा तब क्या करेंगे, उस केस में हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स इंटू सिक्स कितना हो गया जी 36। अब 36 का हम क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं, तो हमारे पास होगा यही ना होगा जी, दो दुना के चार तिहाई, बारह तिहाई 36। करना ये है कि हमें यहां दो ऐसे फैक्टर्स निकालते हैं जिनका सम, याद रखिए फिर पुराने कहानी, एक बार स्टेशन पर पहुंच गए लूप लाइन से तो फिर अब मेन रोड पर पकड़ लेंगे जो पहले कर रहे थे। तो यहां पर हमारे पास क्या है, ये 4 × 9 लिख सकते हैं क्या, क्यों 4 × 9 लिख रहे हैं, क्योंकि 9 + 4 = क्या हो रहा है 13। ये 13 कौन सा है, ये वाला है, आप याद होगा हमने 20 लिखा था, मैं एक एग्जांपल लिख रहा था 6² + 20x + 6 कर रहा था, तो उसमें सब में 2 कॉमन हो जाता है, इसीलिए मैंने उसको हटा दिया था, पहला है। दूसरा ये है कि अगर वही ले लेते तो उस केस में हमारे पास क्या होता, 2 × 2 × 3 × 3 होता, तो हम इसको एक साथ लेते, 18 एक साथ लेते, 2 को लेते तो क्या होता, 18 × 2 = 20 कितना हो जाता, समझ में आ रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 12 हो जाता तो हम क्या लिखते, 6 और 6 लेते, 6 × 6 = 36, तो 6 + 6 = 12, मतलब दो ऐसे फैक्टर निकालेंगे जिनका सम कितना हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, मैंने बिल्कुल रिव्यू कर दिया। तो अब इसको क्या लिखोगे, आप लिखोगे 6x² + 9x + 4x + 6, इन दोनों में से क्या कॉमन है जी, 3x कॉमन हो गया तो 2x + 3 हो गया, यहाँ 2 कॉमन हो गया 2x + 3 हो गया, इन दोनों में से 2x + 3 आपने कॉमन ले लिया, इट इज 2x + 3 कॉमन, सो 3x + 2, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। और याद रखिए अब हम एक नई दिशा में बढ़ रहे हैं, अगर हमारे पास सपोज कर लीजिए कि 12x² - 7x + 1 है, यहां पर देखिए 12 × 1, ये दोनों क्या हो रहा है जी पॉजिटिव, मतलब या तो दोनों प्लस होगा या दोनों माइनस होगा, लेकिन हमें पता है कि इसमें एक 4 हो सकता है, एक 3 हो सकता है, क्योंकि 4 × 3 = 7 होता है, और ये दोनों क्या होगा, एक -4 - 3 का मान क्या होगा -7, यही तो आपको चाहिए था, ये ना सीखे हैं जी। तो इसको आप क्या ले सकते हैं, 12x² - 4x - 3x + 1, फिर देखिए दो दो का ग्रुप बनेगा, 4x कॉमन होगा तो यहाँ होगा 3x - 1, और यहाँ -1 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3x - 1, कंफ्यूज मत करिएगा, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार, खुदा तो एक ही है, तो इसलिए मैंने 1 कॉमन ले लिया। अब इन दोनों में से आपने क्या कॉमन ले लिया, 3x - 1 हो गया और ये 4x - 1 हो गया, यही इसके फैक्टर हो गए, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अगर आप सेकेंड क्वेश्चन की बात, याद रखिए हम क्वेश्चन उसको देख के नहीं कर रहे, हम लोग जो सीखे हैं जैसे हम लोग डेवलप किए हैं हम उस लाइन पर लेके चल रहे हैं। जैसे आप दूसरा क्वेश्चन है कि 6x², ये शायद थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का, 6x² + 5x, याद रखिएगा -6। देखिए यही वाला क्वेश्चन वहां भी था, वहां क्या था, ये प्लस था, तो पहली बात तो ये है भैया कि 6 - 6 = -36, यानी माइनस है, यानी डिफरेंस होगा। तो पहले हम 36 को देखते हैं कि हमारे पास दो ऐसे फैक्टर हैं क्या जिसका डिफरेंस जो है वो 5 आ जाए, तो हम कहते हैं हाँ सर है, 9 × 4, और हमें पता है कि 9 - 4 = कितना होता है 5। अगर ये माइनस होता तो हम लिखते हैं -9 + 4, क्लियर हो रहा है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे बताइए, 6x² + 9x - 4x - 6 क्या कॉमन होगा जी, 3x कॉमन, तो 2x + 3, और फिर -2 कॉमन लेंगे तो 2x + 3, इन दोनों में से क्या होगा, 2x + 3 कॉमन, और यहां पर 3x माइनस, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया।
ये कौन सी स्थिति थी? जब निगेटिव आ रहा था। अब अगर उसका थर्ड क्वेश्चन नहीं बल्कि हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, अब तक आपको समझ में आ जाना चाहिए था। ये क्वेश्चन नंबर फोर का फोर्थ है। क्या लिखते हैं जी? 3x² - x - 4। फिर देखिए 3 × 4 ऊपर क्या आ रहा है जी? ये माइनस है, माइनस है, यानी डिफरेंस क्या आएगा? माइनस होगा। इसमें कुछ फैक्टर की जरूरत ही नहीं है। अगर हमको -1 चाहिए तो होगा -4 + 3, तो वहीं पर साफ साफ है। मतलब ये हुआ कि इसको लिख सकते हो 3x² - 4x + 3x - 4। हो तो गया, क्योंकि हमको -1 चाहिए, 4 - 4 प्लस। अगर प्लस होता तो हम क्या लिखते? +4 - 3 कर देते। क्लियर हो रहा है? फिर देखिए इसमें से x कॉमन, 3x - 4 हो गया, +1 हो गया, 3x - 4 हो गया, फिर 3x - 4 और ये x + 1 हो गया फैक्टराइजेशन। बहुत तेजी से तो नहीं जा रहा है ना? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये क्लास 8 में अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो पढ़ लिए होंगे। तो ये तो साहब हुआ क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है, अब वहां पर जरा देखिए, बड़ा बहुत साइलेंटली लोगों ने क्या किया, ये नहीं कहा है कि फैक्टर थ्योरम को यूज ही करिए, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि हम लोग फैक्टर थ्योरम यूज करते हैं तो चीजें अपने आप क्या हो जाती हैं, लंबी खींचती चली जाती हैं। हम आपको एक चीज बता देते हैं, उसको आप दिमाग में रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि ये x³ - 2x² - x + 2, सबसे पहले इसको प्यार से ऑब्जर्व करिए। अब आप अगर इसको प्यार से देखते हैं तो 90% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। जैसे अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको कोई फैक्टर वैक्टर थ्योरम यूज करने का जरूरत नहीं है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें x² कॉमन है, ये होगा x - 2, यहाँ -1 कॉमन ले लेंगे तो ये होगा x - 2, दोनों में से x - 2 कॉमन ले लेंगे तो ये कितना होगा जी, x² - 1। और ये आप पढ़े हैं a² - b², ये वैल्यू कितनी होती है, x - 2 x + 1 और क्या हो गया, x - 1, डायरेक्ट हो गया। होता ये है कि लोग कहता है कि भाई फैक्टर थ्योरम को यूज करने के लिए क्या कहते हैं, देखिए मैं बता रहा हूं क्या कहते हैं। लेट अस सपोज दैट दिस इज इक्वल टू px, फिर हम 2 के जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं हम सबको विचार करते हैं, क्या फैक्टर हो सकता है, 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -2 हो सकता है, फिर हम 1 को इसमें रखते हैं। हम 1 को रखते हैं तो पता चलता है, याद रखिएगा, टेक पुट x = 1, तो क्या होगा जी, p1 का मान क्या होगा, 1 - 2 - 1 + 2, दैट इज इक्वल टू 0। तो आप कहोगे कि x - 1 उसका एक फैक्टर हो गया। फिर आप x = -1 रखते हैं, फिर x = 2 रखते हैं, x = -2 रखते हैं, और ऐसे कहते जाते हैं कि फैक्टर है, और तब उसके बाद फैक्टराइज करते हैं। तो हम नहीं चाहते कि आप उतना जाइए, हम एक दो क्वेश्चन लेके आपको डिस्कस कर देंगे कि कैसे करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली वो सिर्फ एक या दो फैक्टर निकालने के लिए अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन एज ए होल फैक्टराइज करने में उसमें थोड़ा सा कष्ट होता है। तो व्हाट आई वांटेड टेल यू, आप अपने ढंग से भी देख सकते हैं। जैसे देखिए आपके पास एक और क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 5 का दिया हुआ है x³ + 13x² + 32x + 20। अब देखिए 20 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। 20 का फैक्टर हो सकता है 1 - 1 - 2 - 2 - 4 - 4 - 5 - 5, ये सब इसके फैक्टर हो सकते हैं। याद समझ में आ रहा भाई, 1 भी उसका है, 2 भी, 1 × 20, 2 × 10, याद आ रहा। फिर हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 5 या 5 × 4, लाइक दैट। तो ये सभी इसके पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं। हम मान लेते हैं कि दिस इज इक्वल टू px। पहली बात तो ये है कि ये पॉजिटिव वाला तो अभी नहीं चलेगा जी, पॉजिटिव वाला रख करके
उसमें जीरो नहीं कर सकते हैं, क्यों? पॉजिटिव रखेगा तो सब पॉजिटिव हो जाएगा, जीरो कहाँ से होगा? जीरो पाना है तो कुछ प्लस होना चाहिए, कुछ माइनस होना चाहिए, वो माइनस तभी होगा जब हम उसमें एक्स की वैल्यू निगेटिव रखते हैं। थिंक ये वाला क्या है, यहाँ आप जरा सोच के रखिए, मैंने अपने अपना जो एंटीना जो है ना, एंटीना को थोड़ा खोल के रखिएगा, तभी हो सकता है। अब बोलेंगे नहीं सर वायरलेस है, तो ठीक है वायरलेस तो ठीक है चलेगा। देखिए अगर हम इसमें पी माइनस वन करते हैं, पी माइनस वन करेंगे तो क्या होगा, माइनस वन का होल क्यूब, 13 इंटू माइनस वन का स्क्वायर, 32 इंटू माइनस वन प्लस 20, माइनस वन प्लस 13 माइनस 32 प्लस 20, देख लीजिए कितना आ रहा है, ये हो रहा है आपका माइनस 34 एंड प्लस 33, देखिए सही है क्या, एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20, ठीक है, एक्स इक्वल टू माइनस वन रखा गया तो हमारे पास हो गया माइनस वन प्लस 13 माइनस 32 प्लस 20, यानी कितना हुआ जी 32, हाँ सही 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 सही, ये आ रहा है 32 माइनस वन माइनस 33 एंड प्लस 33 दैट इज इक्वल टू जीरो। बस एक बार अगर ये हो गया तो फिर क्या है, बल्ले बल्ले है सर, आपने अगर कह दिया कि p माइनस वन इज इक्वल टू जीरो तो आप कहते हो देयरफॉर x प्लस वन इज ए क्या, फैक्टर ऑफ पी एक्स, ये पी एक्स का एक फैक्टर हो गया बस। और इसके बाद हम आपको बताते हैं कि खेलते कैसे हैं, याद रखिएगा। एक तरीका तो ये है कि x, हमारे पास समझ में आ रही है ना, हमने क्या रखा था, x इज इक्वल टू माइनस वन रखा था, उसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, तो x प्लस वन उसका फैक्टर हो गया फैक्टर थ्योरम से। अब हम किताब से नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं कैसे खेलते हैं, मैं वो बता रहा हूं। अच्छा ऐसे खेलिएगा तो कोई आपको नहीं बोलेगा कि गलत है, लेकिन ये अलग स्टाइल है एंड दिस इज द स्मार्ट वे ऑफ प्लेइंग द गेम। हम देखिए क्या लिख रहे हैं, हमारे पास क्या है, वी हैव एक्स क्यू प्लस 13 एक्स स्क्वायर, मैं इसको थोड़ा सा यहां से लिख लेता हूं, वी हैव, ये है एक्स क्यू प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20, यहां तक सही है। हमसे ये कह दिया गया कि x प्लस वन इसका एक फैक्टर है, तो सबसे पहले इसमें क्या करिए, हर जगह x प्लस वन करते चले जाइए। कहेंगे सर वो कैसे होगा, हम आपको बता रहे हैं, एक एक को झेलिए। जैसे आपने पहले x प्लस वन कर दिया, ध्यान से देखिएगा, जब x प्लस वन कर दिया गया तो पहला वाला क्या है जी, एक्स क्यू है, आप यहां एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, तो ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स क्यू और प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। लेकिन एक्स और आपके पास है कितना, 13 एक्स स्क्वायर, तो क्या इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, हमारी बात समझ में आ रही है भाई, एक एक्स स्क्वायर आ गया, ये 13 स्क्वायर है, तो ये और ये मिलके क्या होगा जी, अब इसको छूना नहीं है। अब फिर अब इस पर आइए, फिर आप यहां एक्स प्लस वन लिख दीजिए, जब x प्लस वन लिखिएगा और आपको कितना पाना है, 12 एक्स स्क्वायर, तो इसको आप क्या करिए, लिख दीजिए 12 एक्स, ध्यान से देखिएगा, देखिए इसका खेल खत्म, 12 एक्स इंटू एक्स कितना हुआ, 12 एक्स स्क्वायर, तो फिर ये कितना हो गया, 12 एक्स, लेकिन आपको चाहिए कितना, 32, तो कितना हो गया जी, 20 एक्स हो गया और प्लस 20। अब हमारे पास ये भी हो गया, ये भी हो गया, और इसमें से 20 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, इन सब में से कॉमन ले लीजिए, x प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 20, ये वाला तो आपको आसान है, याद आ रहा, आसान कैसे कह सकते हैं कि आसान है, बताइए, अभी मैंने किया था, दिस इज इक्वल टू x प्लस वन, ये वाला तो आप सीखे ही थे क्या जी, दिस इंटू दिस जितना भी आएगा प्लस होगा, तो ये 20 है, 20 के दो फैक्टर जिनका सम कितना हो जाए, 12 हो जाए, 10 दुना 20,
टेन इंटू टू इज इक्वल टू 20 एंड 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12, तो आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20 कितना होगा बताओ, x प्लस 1 फिर x कामन हो गया, तो x प्लस 10 फिर 2 कामन हो गया, x प्लस 10 हो गया, तो x प्लस 1 हो गया, x प्लस 10 हो गया, x प्लस 2 हो गया। सो लाइक दिस यू कैन फैक्टराइज द होल थिंग। अब देखिए एक चीज और है, जैसे मान लीजिए लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, जैसे कहता है 2y³ प्लस y² माइनस 2y-1। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको 2 या 4 या 6 मतलब इवन नंबर में मिल रहा है तो बी केयरफुल, प्ले स्मार्टली। अगर 3 है तो उसको 4 में बदलिए, 5 है तो 6 में बदलिए, क्योंकि वो जब भी होगा तो कॉमन होना चाहिए, ये हमेशा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। तो अब देखिए ना, इसमें से कुछ नजर आ रहा है, एक स्टेप खाली आगे बढ़ के सोच लेना है, इन दोनों में से क्या कॉमन है बच्चों, वाई स्क्वायर तो कॉमन हुआ ना, देखो ना हम बोले ना एक स्टेप खाली आगे बढ़ के देखना है, तो वाई स्क्वायर कॉमन हो गया तो क्या हो गया 2y+1, और इसमें क्या कॉमन हो गया -1, कितना बच गया 2y+1, क्या हो गया जी ये 2y+1 है, यहाँ कितना हो गया y² -1 है, कितना हो गया 2y+1 है, y² -1 का मान क्या y+1 इंटू y-1, याद आ रहा है, ये हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी में इतना काम आता है a² - b² a+b × a-b, ये नमक और चीनी की तरह से यूज होता है यहां से लेकर जब तक पढ़िएगा, खूब जीवन में यूज होगा। सो कीप दिस वन इन योर माइंड, दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम सीजन पब्लिकेशन, दैट इज फ्रॉम माय बुक, आई हैव टेकन सम मोर क्वेश्चंस, दिस इज मॉडल 1 और ये मॉडल 2 है। सबसे पहले आपसे कहा गया है कि भाई x-√2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस, आपको टेस्ट करना क्या फैक्टर है क्या, तो हम कहते हैं लेट, आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन, पी एक्स इज इक्वल टू व्हाट इज गिवन, 7x² - √2x - 6, और क्या पूछ रहा है x-√2 उसका फैक्टर है क्या, तो हम पहले इसको जीरो करते हैं, यानी x इज इक्वल टू हाउ मच, √2 रखते हैं, यानी हम यहां निकालने जा रहे हैं p√2 निकालेंगे तो 7√2² - 4√2 × √2 - 6, दैट इज इक्वल टू 7 × 2 - 4 × 2 - 6, दैट इज 14 - 8 - 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे, सिंस p √2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x-√2 इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये तो भाई हमने यही तो फैक्टर थ्योरम यही था यही सीखे थे हम लोग। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाई क्या 2x-3 फैक्टर है क्या, तो इसमें आप क्या रखिएगा, इस वाले में आप रखिएगा 2x-3 इज इक्वल टू 0, यानी x का मान क्या होगा 3/2, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2, तो x इज इक्वल टू 3/2 इस पर रख के देख लीजिए 0 हो गया तो फैक्टर हो गया। थर्ड क्वेश्चन दे रहा है कि √2x-1, इस क्वेश्चन को लेते हैं, हमारे पास दिया हुआ है px = 10x² - 9√2x, आई सपोज 9√2x एंड प्लस 4। क्या क्वेश्चन दिया है, पूछ रहा है कि √2x-1 इसका फैक्टर है क्या, तो क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 0, √2x = 1, x इज इक्वल टू हाउ मच 1/√2, तो आप क्या लिखोगे p 1/√2, रख के देखो हम क्या लिखते हैं 10 × 1/√2²
माइनस नाइन रूट टू और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन बाई रूट टू एंड प्लस फोर। आपने क्या लिखा, जहां भी एक्स था वहां आपने वन बाई रूट टू लिख दिया, कितनी हो गई वैल्यू, टू इंटू वन बाई टू, ये दोनों कैंसिल हो गया, माइनस नाइन प्लस फोर ये फाइव हो गया, यानी नाइन माइनस नाइन इज इक्वल जीरो। देयरफोर क्या जी, अंडर रूट टू एक्स माइनस वन इज ए व्हाट, फैक्टर ऑफ डी एक्स, जो आपने माना था। तो एक तो बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई, आई हैव टेकन सम अदर क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई एक्स प्लस वन, शो दैट एक्स प्लस वन, एक्स माइनस थ्री एंड एक्स माइनस सेवन आर दे, तो क्या लिखेंगे, यू विल पुट, जैसे अगर आप पी एक्स लिखते हैं तो एक बार आप लिखेंगे पी माइनस फोर शुड बी इक्वल जीरो, पी थ्री शुड बी इक्वल टू जीरो एंड पी सेवन शुड बी इक्वल टू जीरो, मीनिंग यू पुट एक्स प्लस फोर इज इक्वल जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर सो पी माइनस फोर, एक्स माइनस थ्री इज इक्वल जीरो, एक्स इक्वल टू थ्री सो पी थ्री शुड बी इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस सेवन जीरो सो पी सेवन इज इक्वल टू जीरो। आई होप इट इज क्लियर। एक अब जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जो हम लोग एनसीईआरटी से बाहर जा रहे हैं वो क्या है, कह रहा है कि भाई के की वैल्यू कितनी। अच्छा एक बात और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, याद रखिएगा, मान लीजिए आप कोई कहता है कि हमारे पास पी एस की वैल्यू जो है वो एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री है, मान लीजिए, तो आप एक काम तो कह सकते हैं क्या कि एक्स प्लस वन इज ए क्या, फैक्टर ऑफ पी एक्स। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि पी एक्स इज डिविजिबल बाई एक्स प्लस वन, याद रखिएगा, अगर फैक्टर है तो उस फैक्टर से दिया गया पॉलिनोमियल डिविजिबल भी होगा, ये कॉमन सेंस की बात है, अगर है तो, नहीं है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो अगर कहीं किसी क्वेश्चन में ये कह देता है, जैसे इसी क्वेश्चन में हमने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि भाई इफ दिस इज डिविजिबल बाई एक्स माइनस वन, आप उस क्वेश्चन को चेंज भी कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू एक्स प्लस वन, ठीक है, दिस इज द पॉलिनोमियल एंड एक्स माइनस वन इज द फैक्टर, याद रखिए, अगर डिविजिबल होगा तो हम बोलते हैं अगर डिविजिबल होगा तो एक्स माइनस वन उसका फैक्टर हो जाएगा, एक लाइन वही ना पढ़ा देना है भाई। अच्छा लेकिन आप कहते हो कि नहीं साहब, एक्स माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, देयरफोर पी वन शुड बी इक्वल टू जीरो, याद आ रहा, एक्स माइनस से होता है तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, पी ए शुड बी इक्वल टू जीरो, मैं वही कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि के इंटू वन स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू इंटू वन प्लस वन शुड बी इक्वल टू जीरो, यानी के माइनस रूट टू प्लस वन इज इक्वल जीरो, दिस इंप्लाई दैट के इज इक्वल टू वन माइनस रूट टू। दिक्कत हमको तब होती है जब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आ गया, जैसे आपसे कहता है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस टेन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, और कह रहा है कि x माइनस वन एंड x माइनस टू, या तो आप ये बोलिए कि दिस इज डिविजिबल बाय x माइनस वन x माइनस टू, या ये कह दीजिए कि x माइनस वन एंड x माइनस टू आर दी फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो अगर ये फैक्टर्स हो गए तो अब क्या होगा जी, p1 शुड बी इक्वल टू जीरो एंड p2 शुड बी इक्वल जीरो, हम क्या लिख रहे हैं, सिंस x माइनस वन एंड x माइनस टू आर द फैक्टर्स ऑफ पी एक्स, देयरफोर पी वन शुड बी इक्वल जीरो बाई फैक्टर थ्योरम। कैसे निकाल रहे हैं जी, बाई फैक्टर थ्योरम। और उस सिचुएशन में पी वन मैंने क्या, वन का होल क्यू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखिए
मैं पी वन मतलब लिख रहा हूँ, वन प्लस टेन प्लस पी प्लस क्यू शुड बी इक्वल जीरो, दिस इम्प्लाई दैट पी प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस इलेवन। फर्स्ट टू रखते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, पी टू शुड बी इक्वल जीरो, तो टू टू द पावर थ्री प्लस टेन इंटू टू स्क्वायर प्लस पी इंटू टू प्लस क्यू शुड बी इक्वल टू जीरो। मतलब हमारे पास होगा यहाँ पर टू पी प्लस क्यू इज इक्वल टू दो दुना के चार चालीस और आठ अड़तालीस माइनस 48। मतलब क्या हो गया कि टू पी प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस 48। देख लीजिए दो दुना के चार चालीस, दो दुना चार दुना के आठ अड़तालीस, उधर चला गया टू पी प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस 48। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर टू। अब याद रखिए दिस इज ओनली हॉट्स क्वेश्चन, ये आपके सिलेबस में भी नहीं हो सकता है, इसके बाहर हम जा रहे हैं इसलिए मैंने बता दिया आपको। दो चीजें हैं, एक तो ये है और दूसरा पी प्लस क्यू का मान क्या है, ये क्वेश्चन नंबर वन है। अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये कैंसिल हो गया, पी इज इक्वल टू हाउ मच माइनस 47। और जब पी निकल गया और आप कहते हो पी प्लस क्यू इज इक्वल टू हाउ मच माइनस वन, पी का मान माइनस 47 प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस वन, देयरफॉर क्यू का मान कितना होगा माइनस वन प्लस 47 इज इक्वल टू हाउ मच 46। So this way you can find the value. So this is all about what? Factor theorem. एक छोटी सी बात हम और आपको बता दें, यहां जो मैंने एक्सरसाइज 3.3 लिखा है, अगर एट प्रेजेंट आपके पास जो किताब होगी बुक होगी उसमें ये एक्सरसाइज 3.4 है, लेकिन जो रिवाइज अब किताब अगले साल आएगी एज पर एनसीईआरटी तो उसमें एक्सरसाइज 3.3 होगा। तो इसीलिए मैंने कहा है ये 3.4 नहीं हो करके, इस साल के लिए 3.4 है, अगर आपके पास किताब है तो 3.4 है, अभी किताब अगर स्टॉक में होगी और आप मंगाएंगे तो 3.4 ही है। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम हैज बीन व्हाट डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस। तो इस तरह से पॉलीनोमियल के बारे में हमने देख लिया, और अगेन अ डिस्क्लेमर इन केस ऑफ Anything which has gone wrong inadvertently, my responsibility is to correct if it is pointed out in the video or to remove the video from the public domain. So, thank you.